जामा मस्जिद और सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और अब चलेंगे ऊपर और पूरा जामा मस्जिद तो ऐसा आपको बीच में बना हुआ मिलेगा। आप वहां पर अपना बैठ जाओ, पैर को पानी में डालकर रात लो। और बता दूं तो खाली पैर पूरा जो ये मार्बल्स है ना, ये पूरा हीट कर रहा है। 1644 से 1656 के बीच में मुगल बादशाह शाहजहां। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक और फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है वो दिल्ली का होने वाला है। और आज का अगर डेट में बता दूँ तो आज है 8 तारीख और आज ही के दिन सुबह में मैं दिल्ली पहुँचाऊँ। फिलहाल आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन। तो फिलहाल अभी जो है जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ से जाएंगे जामा मस्जिद और पूरे जामा मस्जिद को आज एक्सप्लोर करने वाले, साथ ही जामा मस्जिद के बारे में कई सारे बातें भी करेंगे। तो चलिए चलते जामा मस्जिद और इस ब्लॉग का वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर फिर से आपको भाई ऋषभ आपके साथ, तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों यही है जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन और ये गेट नंबर 2 है। आप यहीं से बाहर निकलिएगा तो जो है आपको जामा मस्जिद जो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों बता दूं तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के बारे में काफ़ी सारा ऐसा आपको जो कपड़े वगैरह का स्टॉल देखने को मिलेगा, जहां से आप बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। और ये पूरा इलाका जामा मस्जिद लाल किला वाला है, यहां पे आपको ऐसा सब बहुत सारा स्टॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जामा मस्जिद की ओर में और ये जो रास्ता है पूरा एकदम कपड़ों के बाज़ार से भरा हुआ है। आपको व्यू दिखा दूँ तो ये कुछ रास्ता आप देख सकते हो। देखेगा तो दोनों साइड जो पूरा मार्केट लगा हुआ है कपड़ों का, जूतों का, काफ़ी सारे चीज़ आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और आपको सामने देखिएगा तो जामा मस्जिद दिखेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं जामा मस्जिद और वहाँ पहुँच करके जो है पूरे जामा मस्जिद को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये रहा सामने में जामा मस्जिद और इस इधर देखिएगा तो पूरा जो है वो मार्केट जो है वो चारों तरफ लगा हुआ है। आप काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को भी ले सकते हैं जिसका इस्तेमाल जो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए किया जाता है, तो सारा चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं जामा मस्जिद। तो दोस्तों ये रहा जामा मस्जिद और ये देखिएगा तो ये पूरा मार्केट आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा, दोनों साइड चारों साइड मिलेगा। इधर भी मार्केट आपको मिलेगा और ये भी सामने में सारी दुकानें हैं और इधर से सीढ़ी है और सामने मिलेगा जामा मस्जिद। तो वीडियो में तक बने रहिए क्योंकि ये जो वीडियो उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है इस मस्जिद से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताऊँगा। फिलहाल चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद और सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और अब चलेंगे ऊपर और पूरा जामा मस्जिद घूमेंगे। साथ में जो फैक्ट्स है इस मस्जिद से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि किसने बनवाया, कब बना, कितना पुराना है, एवरीथिंग बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद और मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ वहाँ से आने में करीबन मुझे 1 घंटा लगा मेट्रो से। और देखिएगा तो ये कुछ विजुअल्स है जामा मस्जिद का और भीड़ तो अभी ठीक ठाक है, धूप है बट चलिए फिर भी भीड़ है। तो अभी हम लोग का इधर से एंट्री हुआ है, अभी ऊपर जाते हैं और अंदर के हर कोने को अभी हम लोग घूमते हैं और आपको भी साथ में घुमाते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अंदर और पूरा घूमते हैं। तो फिलहाल देखिएगा तो यहाँ पे कि जूते यहीं उतारे, तो हम लोग को जूता उतारना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा अंदर। सो दोस्तों फाइनली अभी आ चुके हैं हम लोग जामा मस्जिद के अंदर और आपको बता दूं कि आप जब यहाँ पर एंट्री कीजिएगा तो आपको जूता चप्पल जो भी बाहर उतारना पड़ेगा, 20 रुपये उसका चार्ज लिया जाता है। और बता दूं तो खाली पैर पूरा जो ये मार्बल्स है ना, ये पूरा हीट कर रहा है तो चलने बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए क्या है ना कि आपको यहाँ पर बहुत सारा ये बीच बीच में ऐसा देखिएगा तो कपड़ा जो है वो रखा गया है जिस पर कि आप खाली पैर चल सकें। तो बहुत फ़िलहाल तो हीट है, तो अगर आप घूम रहे हो तो बेसिकली शाम में आइए तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा क्योंकि ऐसा जो पैर है ना बहुत ज़्यादा हीट करेगा। आगे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का, वहाँ पर आप पैर को रख करके जो है आप थोड़ा सा राहत ले सकते हैं। और ये देखिएगा तो ये पूरा व्यू है और ये वाला एंट्री गेट था और ये देखिएगा तो सामने ये पूरा मस्जिद है और ये पूरा इलाका है और सामने लोग अभी पैर और अपना धो रहे हैं। तो आपको जो है मैं पूरी चीज़ इस मस्जिद के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अभी मैं बता दूं दोस्तों तो आपको एक छोटा सा पॉन्ड कहो, झील कहो, जो कहो, ऐसा आपको बीच में बना हुआ मिलेगा। आप वहाँ पर अपना बैठ जाओ, पैर को पानी में डाल कर राहत मिलेगा। फिलहाल मैं भी उसी तरीके से बैठा हुआ हूँ, ऐसे पैर को पहले राहत मिल जाए उसके बाद जो आपको पूरे मस्जिद को घुमाते हैं अंदर से बाहर से हर एंगल से घुमाते हैं और इस मस्जिद के बारे में आपको काफ़ी सारा फैक्ट है वो चीज़ों को भी बताते हैं।
अवतार धो लिया दोस्तों, उसके बाद आए थोड़ा राहत है, लेकिन जो मार्वल है फिर भी बहुत गर्म है, तो अगर घूमने आना है तो शाम में ही आइए। खैर फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो जामा मस्जिद है, ये दिल्ली की अगर बात करूँ तो पुरानी दिल्ली वाली जो एरिया है ना, वहीं पर आपको ये जामा मस्जिद मिलेगा। जब आप इस एरिया में आइएगा तो आपको इसका अपोजिट में लाल किला भी मिलेगा, प्लस जो दिल्ली गेट हो गया, चांदनी चौक हो गया, ये सारा एरिया जो है ना यहीं पे मिलेगा आपको पुरानी दिल्ली वाली एरिया में। और मैं आपको बता दूँ तो पूरे दिल्ली की तो पुरानी दिल्ली जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर। और इस मस्जिद का जो निर्माण है 1644 से 1656 के बीच में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। उस वक्त पुरानी दिल्ली का जो नाम है वो शाहजहाँबाद हुआ करता था, और यही जो है मुगल एम्पायर की जो है वो राजधानी हुआ करती थी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त तक जो है मुगलों का ये मुख्य मस्जिद हुआ करता था, जहाँ पर वे लोग जो अपना नमाज पढ़ने का और जो भी क्रियाकलाप होता था उनके धर्म का वे लोग किया करते थे। आज के टाइम पे दिल्ली में एक मेजर टूरिस्ट प्लेस हो चुका है जामा मस्जिद। और घूमने की टाइमिंग की बात करूँ तो आपको आप दिन में 12 बजे तक घूम सकते हैं, उसके बाद आप 1:30 बजे से लेकर के शाम को आप शाम तक घूम सकते हैं, कोई एंट्री फी आपको यहाँ पर नहीं लगेगी। हालांकि जूता वगैरह जमा करने का आपको जो है 10 से 20 रुपये चार्ज लगेगा, मेरा तो 20 रुपये लगा है। अब चलते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा एंगल से शूट ले लेते हैं इस जामा मस्जिद का, उसके बाद जो है इस ब्लॉग को एंड करेंगे, और कुछ और भी फैक्ट होगा तो वो भी बताने का ट्राई करूंगा, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। दोस्तों आपको सामने जो गेट दिख रहा है वहीं से मैं अंदर आया था, और वो गेट नंबर 2 है। इसके अलावा इधर से भी एक गेट आपको दिखेगा सामने, वो गेट नंबर 3 आपको मिलेगा, और इधर साइड में जो वो गेट नंबर 1 मिलेगा, और इधर देखिएगा तो ये आपका मॉस्क हो गया, और यही है जामा मस्जिद। तो चलिए इसको थोड़ा सा शॉट ले लेते हैं इसका। तो दोस्तों अभी हम लोग मस्जिद के अंदर आए हुए हैं, और यहाँ देखिएगा तो बोर्ड लगा हुआ है कि प्रवेश केवल नमाजियों के लिए, तो जो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं ना जो वही जो है इसके अंदर जा सकते हैं और जो यहाँ पर नमाज़ को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा इसके आगे जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है क्या। और ये सब कुछ एरिया है अंदर का मस्जिद का, देखिएगा तो ये सारा एरिया है। तो चलिए अलग अलग एंगल से चीज़ों को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है जामा मस्जिद, मैं आपको बात करूं तो आप इसके मीनार पर भी चढ़ सकते हैं, उसका एक अलग से टिकट लगेगा, और आप पूरे दिल्ली शहर का जो है नज़ारा ले सकते हैं। साथ ही बता दूं इस मस्जिद के बारे में, तो ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद शायद है और सबसे पुरानी मस्जिद में से भी एक है, जिसका जो निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये कुछ रहा जामा मस्जिद दोस्तों। तो अब हम लोग निकलेंगे बाहर, एंड होपफुली आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।